बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, धर्मेंद्र की वाइफ और सनी देओल की सौतेली माँ हेमा मालिनी इस बार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। भाजपा ने उनको लगातार तीसरी बार टिकट दिया है और चुनाव प्रचार में अपने पॉलिटिकल कैंपेन को लेकर बहुत सीरियस हैं। यहाँ तक कि उनकी दोनों बेटियां भी उनके लिए प्रचार कर रही हैं, मथुरा में डेरा डाल के बैठी हैं। हालांकि राजनीतिक यात्रा किसी अभिनेत्री के लिए बहुत आसान नहीं होती, बिकॉज पॉलिटिकल ग्राउंड पूरा मर्दों के हाथ में है। फिर भी हेमा ने अपनी खास जगह बनाई और धर्मेंद्र से बहुत आगे जाकर पॉलिटिक्स में अपना नाम ऊंचा कर लिया। यहाँ तक कि अपने सौतेले बेटे सनी देओल को भी इस पूरे मामले में मात दे चुकी हैं, बिकॉज सनी देओल एक बार से गुरदासपुर से दोबारा जा नहीं पाए और बहुत ज़्यादा थू थू कराने के बाद राजनीति से संन्यास ले लिया, यहाँ तक कि उनका चुनावी टिकट भी कट गया। बहरहाल हेमा इस बार अकेले चुनाव लड़ रही हैं और अपनी बेटियों के दम पर चुनाव जीतने की पूरी तैयारी भी कर रही हैं। मजे की बात थी कि इस बार उनके साथ सपोर्ट में ना धर्मेंद्र आए ना ही सनी बॉबी, जबकि आजकल पूरा परिवार एकजुट होने की बात कसमें खाता फिरता है। बहरहाल पॉलिटिकल कैंपेन के बीच में हेमा मालिनी ने एक ऐसी बात का खुलासा किया है जो शायद उनके फैंस को अच्छा नहीं लगेगा। हेमा के अकॉर्डिंग धर्मेंद्र राजनीति में बहुत पहले से थे, इसके बावजूद वो नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊं। यानी वो धर्मेंद्र पुराने ख्यालात के थे, जाट थे, वो चाहते थे राजनीति मर्दों की जुबान में रहे लेकिन औरतें घर में रहें। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी था। अकॉर्डिंग टू हेमा मालिनी, धर्मेंद्र जानते थे राजनीति कितनी ज़्यादा दूर की कौड़ी है, कितनी जर्नी करनी पड़ती है, कितना टास्क करना पड़ता है। ऐसे में उनको दिक्कत तो ऑलरेडी होती थी, बिकॉज वो एक साथ फिल्मों की शूटिंग भी करते थे और पॉलिटिकल कैंपेन में पार्टिसिपेट भी करते थे। ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहते थे हेमा इसी तरह की भागदौड़ का हिस्सा बने। लेकिन हेमा को पॉलिटिक्स में लाने का क्रेडिट ना तो धर्मेंद्र को जाता है, ना ही उनके सौतेले बेटे सनी देओल को जाता है, बल्कि विनोद खन्ना साहब ने हेमा मालिनी की हेल्प की। उनको चुनावी रैलियों में ले जाते थे, उनको स्पीच देना सिखाते थे, यहाँ तक कि 5-6 हज़ार लोगों के बीच में खड़ा करना, पॉलिटिकल कैंपेन को इनोवेट करना और इस तरह की एग्जीक्यूशन सिखाना धर्मेंद्र की जिम्मेदारी थी। लेकिन धर्मेंद्र ने पल्ला झाड़ लिया और बाद में धर्मेंद्र की जगह पर हेमा के दोस्त विनोद खन्ना ने उनके राजनीतिक गुरु का रोल निभाया। आज हेमा मालिनी जितने भी पॉलिटिकल फील्ड में एक्टिव हैं, चुनाव जीत रही हैं, उसका सारा श्रेय देती है विनोद खन्ना को। और वैसे भी सुनील दत्त के बाद विनोद खन्ना ऐसे नेता थे, अभिनेता थे, जिन्होंने पॉलिटिक्स में काफी सीरियस काम किया। तो हेमा के गुरु बहुत स्ट्रांग रहे हैं। आज हेमा अपने दम पर चुनावी कैंपेन करती हैं, मथुरा में बंगला खरीद चुकी हैं और वहां की जनता से बाकायदा मिलती हैं, खेतों में फसल काटती हैं। हालांकि पब्लिक का मजाक भी बहुत उड़ता है उनका, बिकॉज उनका बयानबाजी करने में आज भी दिक्कत होती है, हिंदी पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं है, बातों बातों बोल देती है कि 10 नालों में से 15 नाले बनवा चुकी हूँ। इस तरह की गलतियां तो खैर पॉलिटिकल बयान में होती रहती हैं, बट हेमा ने अपने दम पर जो अचीव किया है वो भी काबिले तारीफ है, वरना उनके सौतेले बेटे सनी देओल को तो पहली बार में राजनीति रास नहीं आई। बहरहाल उम्मीद करते हैं हेमा इस बार भी चुनाव जीते और अपने परिवार के, अपने पॉलिटिकल कैंपेन के, अपने परिवार के आसपास की प्रेजिडियस को बीट करके फिर साबित करेंगे। जिस तरह वो साउथ से आकर बॉलीवुड में रूल कर सकती हैं, वैसी राजनीति में कामयाबी की हैट्रिक भी लगा सकती हैं।